भारतीय फिल्म के इतिहास में अक्सर कहा जाता है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री और डांसर हेलेन ये ऐसी कलाकार है जिनकी जगह आज तक कोई ले नहीं पाया। पर कुछ अभिनेत्रियां थी जिन्होंने हेलेन के रिकॉर्ड्स को बड़ी चुनौती दी थी। ऐसे कई सारे अभिनेत्रियों में एक अभिनेत्री वो भी थी जिन्होंने अपने फिल्मी दौर में हर प्रकार के किरदार निभाकर अभिनेत्री हेलेन की जगह लेने की कोशिश की थी। उनका नाम है जयश्री तलपड़े। कुछ दर्शक इन्हें जयश्री टी इस नाम से भी जानते थे। दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त एंकर भैरवी और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। 12 जून 1953 को मुंबई में जन्म लेने वाली जयश्री जी का सरनेम हिंदी जुबान वालों को मुश्किल लगता था, इसलिए उन्होंने अपना नाम जयश्री टी रखा। जयश्री का जन्म पारंपरिक हिंदू मराठा परिवार में हुआ था और बचपन से ही उन्हें अभिनय की जान थी, क्योंकि उनके पिताजी चित्रसेन तलपड़े मराठी नाटकों के जाने माने अभिनेता थे जो प्रोडक्शन में भी काम किया करते थे। जयश्री के माताजी का नाम सुगंधा था जो घर संभाला करती थी, पर एक जमाने में वे भी स्टेज आर्टिस्ट हुआ करती थी। जयश्री को अन्य भाई बहन भी है जिनके नाम इस प्रकार है, छाया, मीणा और भूपेश। बहन मीणा भी जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी है। अभिनय शैली में पली बड़ी जयश्री को डॉक्टर बनना था, पर किस्मत का साथ उन्हें रंगमंच पर मिला। जयश्री बचपन से पढ़ाई लिखाई में होशियार थी, पर फिल्मों से उनका नाता उम्र के 5वें साल से जुड़ गया। दरअसल उनका परिवार स्टेज से जुड़ा था, पर उनके परिवार में फिल्मों में कदम रखने वाली पहली व्यक्ति जयश्री ही थी। विजय भट्ट साहब डायरेक्टेड 1959 की सुपरहिट फिल्म गूंज उठी शहनाई में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अभिनय किया और देखते देखते जयश्री को अन्य फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगे। संगीत सम्राट तानसेन, जमीन के तारे, प्यार की प्यास, इन फिल्मों में वो खूब चमकी। इसके बाद बहन मीणा के साथ उन्होंने कथक और अन्य क्लासिकल नृत्य का प्रशिक्षण लिया। नृत्य के प्रति उनका समर्पण देखकर उस दौर के बड़े नृत्य गुरु गोपी किशन ने जयश्री को अपना शिष्य बनने का न्योता भेजा। इसके अलावा गोपी किशन ने जयश्री को कहा कि मुझे आप जैसा छात्र चाहिए, ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। फिल्में तथा नृत्य प्रशिक्षण के साथ जयश्री ने पढ़ाई लिखाई को भी अंजाम दिया और मुंबई के खालसा कॉलेज में उन्होंने स्नातक की डिग्री भी हासिल की। कॉलेज के दिनों में वे सोचती थी कि उन्हें डॉक्टर बनना चाहिए, पर प्रसिद्ध निर्देशक अमित बोस ने उन्हें अपनी फिल्म अभिलाषा में साइन कर लिया और इस तरह उनका डॉक्टर बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। अभिलाषा फिल्म के एक डांस सीक्वल में जयश्री डांस करते हुए दिखती है। दरअसल इस फिल्म के कोरियोग्राफर जयश्री के पिताजी के दोस्त थे। जब पिताजी को पता चला कि डायरेक्टर उनके बेटी को अपने फिल्म में लेना चाहते हैं, तब तुरंत ही उन्होंने जयश्री को स्कूल से उठाकर सीधे रूपतारा स्टूडियो लेकर आए। 1968 की इस फिल्म में नंदा, मीणा कुमारी और संजय खान जैसे सितारे थे। इसके बाद 1969 की चंदा और बिजली इस फिल्म में जयश्री को सितारों की दुनिया दिखाई। दरअसल इस फिल्म के पब्लिसिटी डिजाइन करते वक्त निर्देशक आत्माराम ने जयश्री को बोल दिया था कि आपका नाम और फोटो पोस्टर्स पर नहीं छपेंगे, पर इस फिल्म के रिलीज के बाद जयश्री का डांस सीक्वल और गाना काफी लोकप्रिय होने लगा और डिस्ट्रीब्यूटर्स मांग करने लगे कि फिल्म के पोस्टर पर जयश्री का फोटो भी आना चाहिए। जिस गाने के बदौलत जयश्री को लोकप्रियता मिली, उस गाने के बोल इस प्रकार है, तेरे अंग का रंग है अंगूरी। 1970 के बाद जयश्री तलपड़े का नाम कैबरे डांसर के रूप में सामने आने लगा।
पर जैसे जैसे साल गुजरने लगे, जयश्री के मन में लीड एक्ट्रेस बनने का सपना भी फूलने लगा। पर दुर्भाग्य से उन्हें किसी ने लीड एक्ट्रेस के रूप में मौका नहीं दिया। खलनायिका, डांसर, कॉमेडियन, साइड एक्ट्रेस, वैम्प गर्ल जैसे किरदार लेकर उन्होंने फिल्मी दुनिया में खूब नाम कमाया। पर मोहन सैगल नामक डायरेक्टर ने उन्हें लीड एक्ट्रेस के रूप में कास्ट करना चाहा, पर खराब किस्मत के चलते उनका किरदार अभिनेत्री रेखा को दे दिया गया। उस दौरान रेखा भी न्यू कमर थी और उस फिल्म का नाम था सावन भादो। यही रेखा की पहली फिल्म थी। मोहन सैगल ने जयश्री को फिल्म के बाहर तो नहीं निकाला, पर इसी फिल्म में साइड एक्ट्रेस का काम दे दिया। खिलौना, कहानी किस्मत की, जुगनू, ज्वारभाटा, शर्मीली, मुनीम जी जैसी अनगिनत फिल्मों में जयश्री बतौर डांसर और साइड एक्ट्रेस के रूप में नजर आती है। पर हीरोइन बनने का सपना उन्हें हमेशा सताता था। एक इंटरव्यू में जयश्री बताती है कि वे बड़ी सौभाग्यवान है कि दर्शक उन्हें आज भी याद करते हैं, नहीं तो ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेस थी जिनका नाम आज कोई नहीं जानता। जब उनसे पूछा गया कि बहन मीना और आप में क्या अंतर है, तब वह कहती है कि मीना ने गांव की महिला के किरदार निभाए हैं। जैसे मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान फिल्म में उन्होंने मनोज कुमार की बहन का किरदार निभाया था, और जीने की राह फिल्म में उन्होंने अभिनेता जितेंद्र की बहन का किरदार निभाया था। पर खुद के बारे में वे कहती हैं कि वो मॉडर्न किरदार निभाती थी, उनके रोल को वेस्टर्न टच दिया जाता था। 70 और 80 के दशक में जयश्री तलपड़े का नाम इस पैमाने पर लिया जाता था कि उन्हें दूसरी हेलेन कहा जाने लगा। एक इंटरव्यू के दौरान हेलेन जी से पूछा गया कि आपके बाद दूसरी हेलेन कौन है, तब तुरंत ही उन्होंने जयश्री तलपड़े का नाम लिया। जयश्री की महिमा यहीं तक सीमित नहीं है। प्रसिद्ध कॉमेडियन जॉनी लीवर ने कहा था कि अभिनेता गोविंदा जब डांस करते हैं तो वो फीमेल जयश्री दिखते हैं। इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जयश्री तलपड़े किस पैमाने पर याद की जाती है। उनकी उपलब्धियों को याद करते हुए उन्हें हमेशा कहा जाता है कि आप अपना नाम जयश्री टी क्यों बताती हो। इस पर वो कहती है कि शादी के बाद उनका नाम जयश्री कर्नाटकी हुआ था, पर जयश्री और जयश्री गडकरी जैसी अभिनेत्री थी जिन्होंने उनसे पहले नाम कमा लिया था, इसीलिए वे अपने नाम के बाद टी लगाती हैं। 500 हिंदी और 200 स्थानिक फिल्मों में काम कर चुकी जयश्री टी के फिल्मों के लिस्ट में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, मारवाड़ी, पंजाबी, हरियाणवी, सिंधी, बंगाली, ओरिया, असामी, गढ़वाली, मराठी, गुजराती, भोजपुरी और इंग्लिश, इन सभी भाषाओं की फिल्में हैं। मराठी फिल्मों के महान कॉमेडियन और फिल्मकार दादा कोंडके के साथ उन्होंने याच नवरा पाइजे इस फिल्म में काम किया था, जो उस दौर की सिल्वर जुबली फिल्म थी। महान एक्टर तथा फिल्मकार और अभिनेत्री नंदा जी के पिताजी मास्टर विनायक के छोटे बेटे जयप्रकाश ने जयश्री तलपड़े से शादी की थी। इन दोनों का एक बेटा स्वस्तिक भी है। पर शादी के पहले जयश्री तलपड़े का नाम अभिनेता संजीव कुमार के साथ लिया जाता है। असल में वे दोनों अच्छे दोस्त थे। एक प्रेस में जयश्री से पूछा गया था कि क्या वो संजीव कुमार से शादी करना चाहेंगी, तब उन्होंने हंसते हुए कहा कि क्यों नहीं, वे अच्छे इंसान हैं। आम तरीके से कही गई इस बात को अखबार वालों ने बहुत प्रचलित कर दिया, पर संजीव कुमार और जयश्री तलपड़े ने अफेयर्स वाली बातों पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। आज जयश्री जी 68 साल की हो चुकी है, पति और बेटे के साथ चैन भरी जिंदगी गुजार रही है।